जनपद शामली के कहनला थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती में घर से बाहर गली में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट व धारदार हत्या चले, जिसमें एक पक्ष की ओर से एक महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कहनला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के कहनला थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती का है, जहां पर एक पक्ष की महिला ने घर के बाहर गली में कूड़ा डाल दिया था। इसी बात को लेकर दूसरा पक्ष मंजूर ने परिवार के कुछ लोगों ने जब कूड़े डालने का विरोध किया तो दोनों पक्षों में जमकर मारपीट व धारदार हत्या चले, जिसमें मंजूर पक्ष की एक महिला व एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कहनला के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घायल शहनवाज की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। कहनला से न्यूज 7 के लिए नाशिक रली की रिपोर्ट। अजी गली में कुबड़ा डालने के पर विवाद हुआ जी, अच्छा। वे इनके हम डालते सभी डाले थे जी वहाँ, इसी के पर आए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम डाल देंगे आप रोक के देखो। मैं कहा भाई ऐसा ना करो, और इसी बात पे गाड़ी की रोच होकर लड़ाई हो पड़ी। वे घर में से वे तलवार भाले लेकर आई जी, वे तलवार से मेरा हाथ सारा अलग हो रहा, बिल्कुल कटरा पट्टी में ढको हुआ है। हाँ जी, गोश अलग हो रहा, वे तीन थे जी वे। हाँ जी, हाँ जी, थाने गए, उन्होंने रिपोर्ट सपोर्ट के लिए मेडिकल करा रहे जी यहाँ पे। अभी है ना, दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, एक का नाम जो है एक फरीकान में उसमें शहनवाज था और इकरा था। जो लड़की है, लड़की के भी चोट लगी हुई है, उसके गाल पे चोट लगी हुई है, जो ऊपर वाला लीप है वो थोड़ा कटा हुआ था उसका, और जो शहनवाज था शहनवाज के हाथ में लगी हुई है, तो उसकी इंजरी नोट कर दी है और उनको जो फिर एक्सरे के लिए जो मुजफ्फरनगर भेज दिया। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।